नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग आपके अपने दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 16 मार्च है। अगर आज के मुख्य बिंदु की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले 4-5 दिनों में, यानी कि 16 तारीख से लेकर के 20 मार्च तक की डेट हम लिखे हैं, उसके दौरान भारत के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियाँ रहने की संभावना। इसी के साथ साथ थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, गस्ती विंड्स और लाइटनिंग की एक्टिविटी भी एक दो स्थानों पर विभिन्न क्षेत्रों में देखने की मिलने की संभावना दिखाई देती है। अगर हम हीट वेव की बात करें तो चूंकि ये गतिविधियाँ आने वाले 4-5 दिनों में बनी रहेंगी, इसलिए भारत के किसी भी हिस्से में कोई भी हीट वेव की स्थिति देखने को नहीं मिलने की संभावना दिखाई देती है। और जो अधिकतम तापमान है वो तो या तो सामान्य या सामान्य से नीचे बने रहने की संभावना दिखाई देती है। तो इसी क्रम में अगर हम देखें कल की स्थिति, अधिकतम तापमान देखें तो ज़्यादातर हिस्सों में 33 से 37 डिग्री सेल्सियस देखने को मिले हैं भारत में, सिवाय कुछ स्थानों जैसे पूर्वोत्तर राज्य और पश्चिम वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर टेम्परेचर इससे कम रहे, अदरवाइज़ ज़्यादातर हिस्सों में 33 से 37 डिग्री सेल्सियस के रूप में बने रहे और वो ज़्यादातर हिस्सों में टेम्परेचर जो है सामान्य सामान से कम बने रहे, सिवाय पंजाब, हरियाणा और जो आसपास का एरिया है वहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सब इलाकों में सामान्य से अधिक तापमान थे। अदरवाइज ज़्यादातर हिस्सों में तापमान जो है सामान्य या सामान्य से कम देखने को मिले। कल जो है काफ़ी अच्छी गतिविधियाँ ठंडे स्टॉर्म की और वर्षा की देखने को मिली हैं विभिन्न क्षेत्रों में। उसी के साथ साथ ओलावृष्टि की भी सूचनाएं मिली हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सबवन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में। और इसी के साथ साथ बाकी हिस्सों में भी थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग की गतिविधियां देखने को कल शाम से ही देखने को मिल रही थी। अगर हम आज के सिनोप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो एक पश्चिम विक्षोभ अफगानिस्तान के आसपास बना हुआ है, उसी का इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है दक्षिणी राजस्थान और उसके सटा हुआ जो कच्छ एरिया वहाँ पर बना हुआ है निम्न क्षोभ मंडल में। और इसी के साथ साथ जो कल का जो साइक्लोन सर्कुलेशन मध्य राजस्थान में था वो आज उत्तर पूर्व राजस्थान और उसके आसपास बना हुआ है, जैसे कि हमने दर्शाया है। दो ट्रफ रेखाएं आप देख सकते हैं, एक बांग्लादेश से लेकर के उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तक है, उड़ीसा से होते हुए जा रही है, और दूसरी ट्रफ लाइन जो है दक्षिणी तमिलनाडु से उत्तरी कोंकण तक जा रही है कर्नाटका से होते हुए। इसी के साथ साथ एक साइक्लोन सर्कुलेशन भी बांग्लादेश और उसके आसपास बना हुआ है। अगर हम आज के बादलों का जमावड़ा की बात करें तो देख सकते हैं कि भारत के ज़्यादातर हिस्सों में हम बादल दिखाई देते हैं, मुख्य रूप से मध्य भारत, इंटीरियर महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम भारत, पूर्व भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आप देख सकते हैं कि अभी से ही जो है बादल दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं सब सिस्टम्स के प्रभाव में आप देख सकते हैं हमने आने वाले 4-5 दिनों के लिए मैप तैयार किया है। 16 तारीख को आप देख सकते हैं भारत के ज़्यादातर हिस्सों में हमने थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की संभावना को दर्शाया है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं सिर्फ हमने ग्रीन जो है बेल्ट केरला और तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दिया है, अदरवाइज पूरे ही भारत में एक दो स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की गतिविधियाँ देखने को आने वाले 24 घंटे में मिलने की संभावना है। इसके साथ साथ हमने ऑरेंज कलर जो है दिया है सबवेन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम को। इसी के साथ साथ जो छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा को नारंगी रंग ऑरेंज कलर दिया है, क्योंकि वहाँ पर हेल स्टॉर्म भी होने की संभावना आज दिखाई देती है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कल भी ऑलमोस्ट वैसा ही मैप आप देख सकते हैं, सिवाय गुजरात और केरला और हमारे जो द्वीप समूह हैं उनके साथ साथ तटीय कर्नाटक को छोड़ा है, बाकी ज़्यादातर हिस्सों में आप देख सकते हैं ये स्थिति जारी रहने की संभावना है। वहीं हमने ऑरेंज कलर जो है दे रखा है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश को, क्योंकि वहाँ पर हेल स्टॉर्म की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ साथ अगर हम 18 तारीख की मैप की बात करें तो कमोबेश यही स्थिति आपकी 18 तारीख को भी दिखाई दे रही है, बल्कि इसके साथ साथ जो है छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी होने की संभावना है। और इसी के साथ साथ अगर 19 तारीख की बात करें तो मैप वैसा ही है, सिवाय पूर्वोत्तर राज्य और जो आपका पश्चिमी तट और उससे सटा हुआ जो इंटीरियर क्षेत्र वहाँ पर थंडर स्टॉर्म की स्थितियाँ थोड़ी सी कम दिखाई दे रही हैं, परंतु उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व और पूर्वी तट के आसपास तो आप देख सकते हैं कि सारा ये इलाका जो हमने थंडर स्टॉर्म के लिए दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर भी जारी रहने की संभावना है थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्ती विंड की गतिविधियाँ।
और 20 तारीख को जो है आप देख सकते हैं थोड़े इलाके और भी हमने ग्रीन क्षेत्र में दिए हैं, परंतु उत्तर पश्चिम, मध्य, पूर्व और उससे सटा हुआ जो आपका पेनिनसुलर भारत, वहाँ पर स्थितियाँ 20 तारीख को भी दिखाई दे रही हैं। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले 4-5 दिनों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा ज़्यादातर स्थानों में देखने को मिलने की संभावना है। इसी के साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और उसकी स्थितियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए हमारा जो किसान भाइयों के लिए एडवाइजरी भी है, IMD ने जारी किया है कि जो किसान भाई हैं वो अपनी हार्वेस्टेड मैच्योर्ड जो मस्टर्ड और बाकी जो सब्जियां आदि की उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में जो फसलें हैं उनको लिए पूरा ध्यान रखेंगे, उसके लिए उनको बचाने की कोशिश करेंगे। और एक ही साथ साथ समय समय पर विभिन्न एडवाइजरीज हमारे जो मौसम केंद्र हैं और जो क्षेत्रीय मौसम केंद्र हैं वो भी जारी कर रहे हैं, आप उनकी भी जो उनके हिसाब से आप देख सकते हैं। वही के साथ साथ अगर हम हेल स्टॉर्म की तिथियों की बात करें तो जैसे हमने लिखा 16 तारीख को सामान्य वेस्ट बंगाल, सिक्किम, दक्षिण असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, जम्मू कश्मीर आदि में 16 तारीख को, 16-17 तारीख को हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगटेक, वेस्ट बंगाल में 16 से 18 के बीच, छत्तीसगढ़, 16 से 20 उत्तराखंड, 18 तारीख को उड़ीसा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम राजस्थान में 17 को, और पूर्व उत्तर पूर्व राजस्थान में 17 से 19 के बीच में ओलावृष्टि की होने की संभावना है। तो आप हमारी एडवाइजरीज को समय समय देखते रहिए, हमारी वेबसाइट पर भी जो है बुलेटिन पड़ी हुई है आप देख सकते हैं, बुलेटिन हम अपडेट करते रहते हैं, आप उसको विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है mausam.imd.gov.in। इसी के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पेजेस को भी हमारे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम अपडेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। इसी के साथ साथ हमारा IMD के द्वारा नावकास्ट पेज एक्टिव है mausam.imd.gov.in पर, जिला वार नावकास्ट भी हम जारी करते हैं जब थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी चल रही होती है, आप उसको भी अपडेट ले सकते हैं, उसको भी उसी के क्रम में आप जो है सावधानियां बरत सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।